दिल्ली प्राइम आप देख रहे हैं। क्या दिल्ली क्राइम कैपिटल बन चुकी है? लेकिन दिल्ली पुलिस ये दावा कर रही है कि दिल्ली में पहले के मुकाबले क्राइम की रफ्तार कम हो गई है, क्राइम रेट घटा है, ये दावा है दिल्ली पुलिस का। दिल्ली पुलिस के आंकड़े ये कह रहे हैं कि दिल्ली में जो क्राइम के आंकड़े दिए हैं पुलिस ने, उस पर गौर करें तो इस साल 30 सितंबर तक जघन्य अपराध काफी कम हुए हैं, ये दावा है पुलिस का। और पिछले साल की तुलना करें तो हर तरह के क्राइम में 25 से 70% की कमी दर्ज की गई है। यानी दिल्ली पुलिस बता रही है कि दिल्ली में अपराध का ग्राफ कम हुआ है, लेकिन दिल्ली वाले क्या इस पर यकीन करेंगे, क्योंकि आए दिन घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। दिल्ली पुलिस ने दिल्ली में अपराध कम होने का दावा किया। दिल्ली पुलिस के जारी किए गए आंकड़ों पर गौर करें तो हर तरह के क्राइम में 25 से 70% की कमी दर्ज की गई है। दिल्ली में क्या अपराध कम हो गया है? क्राइम का ग्राफ क्या दिल्ली में घट गया है? ऐसा हाल ही की घटनाओं को देखकर न लग रहा है, लेकिन दिल्ली पुलिस का दावा है कि दिल्ली में पहले के मुकाबले क्राइम की रफ्तार कम हुई है। दिल्ली पुलिस के आंकड़े तो यही कहते हैं। दिल्ली पुलिस के जारी किए गए क्राइम के आंकड़ों पर गौर करें तो इस साल 30 सितंबर तक जघन्य अपराध काफी कम हुए हैं। पिछले साल की तुलना करें तो हर तरह के क्राइम में 25-70% की कमी दर्ज की गई है। यानी दिल्ली पुलिस बता रही है कि दिल्ली में अपराध का ग्राफ कम हुआ है। दिल्ली पुलिस के जारी किए गए आंकड़े ये भी बता रही हैं कि न सिर्फ क्राइम में कमी आई है, बल्कि ऐसे अपराध जिनमें लगातार तेजी आ रही थी उनकी रफ्तार भी कम हुई है। मसलन रेप, छेड़छाड़ और मर्डर के मामले दिल्ली में अब कम हुए हैं। वहीं दिल्ली पुलिस की माने तो लूट और झपटमारी के मामलों में काफी कमी दर्ज की गई है। दिल्ली पुलिस का कहना है कि पिछले कुछ सालों में डकैती के मामले लगातार बढ़ रहे थे, लेकिन इस साल ऐसे मामलों पर लगाम लगी है। वहीं किडनैपिंग के मामले दिल्ली में इस बार बढ़े हैं, साथ ही गाड़ी चोरी के मामले वर्चुअल पुलिस स्टेशन में ऑनलाइन दर्ज किए जाते हैं। वारदात की इस कैटेगरी में इजाफा देखने को मिला है। आंकड़ों में सबसे सकारात्मक ये है कि हत्या जैसे जघन्य अपराध घटे हैं। दिल्ली डेस्क, टोटल न्यूज़। और आइए आपको बताते हैं दिल्ली पुलिस के आंकड़े, जिनके दम पर दिल्ली पुलिस अपराध कम होने का दम भर रही है। आंकड़ों के मुताबिक 30 सितंबर 2018 तक 1639 रेप केस दर्ज हुए। साल 2017 की अवधि में यह आंकड़ा 1673 था। इस दौरान 2018 में छेड़छाड़ के 2535 मामले सामने आए। ये दिल्ली पुलिस का आंकड़ा है। और 2017 की बात की जाए और अगर कंपैरिजन किया जाए तो यह आंकड़ा 2610 का था। 30 सितंबर 2018 तक 357 मर्डर केसेस सामने आए। वहीं पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक 2017 में 385 मर्डर रिपोर्ट हुए थे। साल 2017 में स्नैचिंग की 6772 वारदात हुई थी पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक। 2018 की इस अवधि में 5034 मामले दर्ज हुए हैं। 2017 की अवधि में लूट के 2230 मामले सामने आए थे। 2018 में ऐसे 1852 केस दर्ज हुए हैं। 2016 में डकैती के 14307 मामले सामने आए थे। 2017 में ये आंकड़ा 9819 हो गया। 2018 में सितंबर 30 तक 3090 मामले दर्ज हुए। जानलेवा हादसों की अगर बात की जाए तो उसमें बढ़त हुई है। दिल्ली पुलिस के आंकड़ों के मुताबिक पिछले साल 1087 हादसों में पीड़ितों की जान गई थी, जबकि इस साल यह आंकड़ा 1136 का है, यानी 10% का इजाफा हुआ है। दिल्ली में किडनैपिंग के मामले भी बढ़े हैं।